हाय एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू दिस चैनल। मेकअप जो है वो किकी हो जाता है, ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करके पूछते हैं इसका क्या उपाय है। इसका उपाय थोड़ा सा टेढ़ा है, थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रिक लगती है। और आज जो है मैं आपको अच्छे से समझाने वाली हूँ कि कैसे मेकअप आर्टिस्ट जो है इस प्रॉब्लम से डील करते हैं, प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं। सो आज की जो वीडियो है वो बहुत बहुत इन्फॉर्मेशनल है गाइज, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इस वीडियो में जो जितनी मेहनत मैं करने वाली हूँ आप लोगों को, हर एक चीज़ मैं बताने वाली हूँ, उतना आपको कोई नहीं बताएगा। इसमें मैं आपको क्लियरली बताने वाली हूँ कि किस टाइप की ये प्रॉब्लम होती है, कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है अभी हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं यहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आती हूँ जो मेकअप से जुड़ा हुआ है, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट हैं या बनना चाहते हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए बिल्कुल सही जगह है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में बेल आइकन है सब दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो आप तक सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी मैंने कब वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड की है। और अगर आप कुछ डिफरेंट कंटेंट देखना चाहते हैं और आप बात करना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन करके में आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। बट उसके अलावा जो है मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, दैट इज़ तन्वर अपर्णा, वहाँ आप मुझसे डायरेक्ट डीएम करके अपने प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं और अपने क्वेश्चंस का जल्दी जवाब चाह सकते हैं। ऑलराइट, अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बेसिकली मेकअप किकी क्यों होता है, यहाँ जो है हमारा मेकअप से पहले वाली जो स्किन प्रिपरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। सो मेकअप जो है किकी वो होता है ऑलमोस्ट जो ड्राई स्किन होती है उन पर, ऑयली स्किन पर भी हो सकता है दैट इज़ ओके, बट जो मोस्टली होता है वो आती है हमारी ड्राई स्किन के साथ प्रॉब्लम। सो ड्राई स्किन को आप लोगों को खुद ही पता करना होगा कि आपकी जो आपके पास जो क्लाइंट है या आप खुद भी अगर अपना मेकअप करना चाहते हैं तो कि आपकी जो स्किन है वो ड्राई है या ऑयली है। अगर ऑयली है तो आपकी ये जो टी जोन है यहाँ पर जो है वो ऑयल आता होगा, और अगर ड्राई है तो फ्लेकी स्किन होगी, जैसे पपड़ियाँ उतरती है उस तरीके की स्किन होगी आपकी, और आप लोगों को पता चल जाएगा कि आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है। अब ड्राई स्किन वालों को बहुत ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन आपका सी टी एम जो है वो परफेक्ट होना चाहिए, आपके प्रोडक्ट्स जो है सी टी एम के वो बहुत अच्छे होने चाहिए, उससे आप अवॉइड कर सकते हैं अपना किकी मेकअप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं देखिए मैंने फेस वॉश किया है, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऑयल लगाएंगे। जी हाँ, मैं बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों को बोल चुकी हूँ कि ऑयल नहीं लगाना है, बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप जो है अपने स्किन पर केकी फाउंडेशन को अवॉइड करने के लिए ऑयल लगा सकते हैं, लेकिन उसको लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, मैंने पहले भी वीडियोस में समझाया, लेकिन आज मैं आप लोगों को करके दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप जो है आप ऑयल लगाएं अपनी स्किन पर। तो मैंने पहले फेस वॉश किया है, देन मैंने जो है वो अपना टोनर अप्लाई किया है। टोनर यहाँ मैंने लिया है काया का, दिस इज़ काया का टोनर जो मैंने यूज़ किया है, जस्ट फेस वॉश करके टोनर अप्लाई किया है। उसके बाद जो है आपको ऑयल अप्लाई करना है। सो यहाँ मैं ले रही हूँ ड्रॉप ऑफ ग्लो, दिस इज़ फ्रॉम बेला विटा। इस ऑयल की जो है मैं 2-3 बूंदें लूँगी अपने पूरे फेस पर, 1-2-3, आई थिंक 2-3 बूंदें जो है वो काफ़ी होती हैं, एंड देन हम अपने फेस पर इसको अप्लाई करेंगे। अगर आप इसी ऑयल के ऊपर फाउंडेशन लगाना स्टार्ट कर देंगे तो आपका फाउंडेशन ब्लैक पड़ जाएगा, इसीलिए आई थिंक मेरी स्किन भी इस वक्त ड्राई हो रही है शायद, सो और ऑयल चाहिए। सो मैं ढेर सारा ऑयल ले लेती हूँ, मैं 3-4 बूंदें और ले रही हूँ, अच्छा खासा मैंने जो है अमाउंट में जो है वो ऑयल ले लिया है। देन आपको ऑयल लेने के बाद अपनी आपकी क्लाइंट की जो स्किन है या अपनी स्किन है उस पर अच्छे से मसाज करना है, अपवर्ड मोशन में कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लेकी स्किन होती है तो उससे जो है आपके जो फ्लेक्स हैं वो आराम से जो है वो निकल आएंगे। लाइक आपको एकदम से अगर मेकअप करना है तो आपको यही जो है आइडिया अप्लाई करना पड़ेगा, स्क्रब मत कीजिएगा, क्योंकि स्क्रब से आपकी जो स्किन है वो और भी ज़्यादा ड्राई हो जाएगी, रेड हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। तो हमें स्क्रब नहीं करना है, हमें इस तरह से ऑयल अप्लाई करते हुए मसाज करनी है, आराम से जो है बहुत हल्के हल्के हाथों से इस तरह से स्किन में डैप डैप करते हुए हमें ऑयल अप्लाई करना है।
आईज के नीचे बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज कई बार जो होता है हमारा यही एरिया ड्राई होता है और फिर यहाँ जो है मेकअप अप्लाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, एंड आप हेड की जो फोरहेड की जो है इस तरह से मसाज कीजिए। एंड नेक ऑलराइट गाइस, ऑयल जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है, इसकी अच्छे से मसाज कर दी है। अब हम 10 मिनट्स का वेट करेंगे और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। 10 मिनट हो चुके हैं, अब जो है आपको लेना है ये गर्म पानी इस टाइप से। देखिए आपको दिख रहा होगा ये गर्म पानी है, भाप ऊपर नजर आ रही होगी। आपको गर्म पानी लेना है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इतना होना चाहिए कि आप जो है आराम से इसको फेस पर भी लगा सके, लेकिन हमें इसे फेस पर नहीं लगाना है। इसके साथ हमें लेना है ये टॉवल, लाइक एक हैंकी है छोटा सा टॉवल टाइप का, तो ये आपको लेना है एंड देन आपको जो है वो इसमें डिप करना है इस तरह से। देखिए अब हमने अच्छे से इसका पानी जो है वो निकाल लिया है। अब ये जो गीला टॉवल है ये आपको अपने फेस पर इस तरह से रखना है। नाउ अब मैं बहुत हल्के हाथों से उस ऑयल को रिमूव कर रही हूं। इससे क्या होगा, आपकी जितनी भी फ्लेकी स्किन होगी वो निकल आएगी और आपकी जो ड्राई स्किन है वो भी इम्प्रूव होगी, तो उससे जो है आपका जो केकी मेकअप होता है वो नहीं होगा। इसके साथ साथ आगे हमें क्या करना है मैं बताती हूँ, पहले मैं इसको जस्ट क्लियर कर लूँ। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपको ऑयल रिमूव करना है, बहुत ज़्यादा हार्श हाथों को नहीं लेना है। नाउ गाइज अगर आप देखेंगे तो मेरे फेस पर अब ऑयल बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा, ये नोज पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑयलिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बट एक बहुत अच्छी सी शाइन आ रही है फेस पर। और ये स्टेप जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके पूरे मेकअप में, जब आपकी जो ड्राई स्किन है वो हो और आपको फ्लेकी मेकअप जो है वो अवॉइड करना हो। अब क्या करेंगे, अब हम 10 मिनट और रुकेंगे और उसके बाद हम अपना सीरम अप्लाई करेंगे। सीरम इज टोटली ऑप्शनल, अगर आप लोग सीरम अवॉइड करना चाहते हो या बहुत ज़्यादा स्टेप ऐड नहीं करना चाहते हो तो आप बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं, और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर लगा रही हूँ ये सिंपल का नायसिनेमाइड का, सीरम। ऑल राइट टाइम फॉर मॉइस्चराइजर, तो यहाँ मॉइस्चराइजर मैं ले रही हूँ द फेस शॉप का, ये मॉइस्चराइजर है, दिस इज़ अ कैलेंडुला एसेंशियल, काफ़ी अच्छा जो है मॉइस्चराइजर है, ये अच्छे से डीप मॉइस्चराइजिंग करेगा, लाइक आपकी जो स्किन है ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये, सो इसको ज़रूर लगाइएगा। और आप ये ले सकते हैं, लाइक ये बहुत अच्छी ऑप्शंस है, आप हाई एंड ब्रांड पे ना जाकर ये ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी जाना माना ब्रांड है। और इसके साथ जो है आप इसकी काफ़ी सारी जो है वो क्रीम्स बहुत अच्छी हैं, बट ये मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि ये 1000 रुपीज़ में है और काफ़ी अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में भी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ये, तो आप ये ले सकते हैं। मैं आपको फिर से एक क्लोजअप दिखा देती हूँ इस क्रीम का, दिस इज़ द क्रीम। एंड आपको देखकर पता ही चल गया होगा, बहुत ज़्यादा भी आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा सा ही आपको अप्लाई करना है। एंड जस्ट लुक एट द ग्लो गाइस, बहुत अच्छा ग्लो आता है। अब ऐसी स्किन पर आप जो है अपना मेकअप अप्लाई करेंगे तो वो आप खुद ही सोच सकते हैं कि कुछ भी उसमें ड्राइनेस नहीं होगी, उसमें फ्लेकीनेस नहीं होगी, आपका जो बेस है वो फटेगा नहीं, बहुत अच्छा सा ड्यूई सा लुक आएगा। सो दिस इज़ द बेस्ट बेस एंड बेस्ट जो अपने फेस के लिए आप तैयारी कर सकते हैं, दिस इज़ द बेस्ट वन गाइज। इतनी स्किन हाइड्रेट लग रही है इस टाइम, इतनी स्किन हाइड्रेट लग रही है, आप खुद ही देख सकते हैं। आई वॉन्ट टू शो यू अ क्लोज अप, ये देखिए इतनी ज़्यादा
खूबसूरत लग रही है, अगर आप इस पर कोई भी ड्राई फाउंडेशन भी लगाएंगे तो भी बहुत अच्छे से वो असर करेगा। और अभी हमारे दो स्टेप इसमें इंक्लूड होने बाकी हैं, तो चलिए अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, दैट इज़ प्राइमर। प्राइमर कौन सा लेना है? सो ऑब्वियसली बात है, आपको ड्राई स्किन वाला प्राइमर लेना है। सो ड्राई स्किन के लिए द बेस्ट प्राइमर जो इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है और अफोर्डेबल है, दैट वन इज़ दिस के ब्यूटी का ये जो प्राइमर है ऑरेंज वाला, ये काफ़ी अच्छा है। एंड द सेकेंड वन इज़ NYX का मैश मेलो प्राइमर है, जो मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बताया है, वो आप ले लीजिए, दैट इज़ बेस्ट फॉर ड्राई स्किन। लाइक सर्दियों में भी आप डर्मा, आप सुप्रा कुछ भी अप्लाई कीजिए और वो अप्लाई कर लीजिए उससे पहले, तो आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी लगेगी। अब ग्लो आप तो खुद देख ही रहे हैं मेरी स्किन पे, और ये बिल्कुल एक डॉट मैंने प्राइमर लिया है और इसको जो है मैं अप्लाई करने जा रही हूँ। सो ये आपका एज अ कलर करेक्टर भी वर्क करता है और एज अ प्राइमर भी वर्क करता है। जस्ट सी गाइज, अब आपका जो फेस है, जो आपका बेस है, वो रेडी हो चुका है मेकअप के लिए, फाउंडेशन के लिए। और अब आप कोई भी फाउंडेशन लगाइए तो आपका बेस जो है वो बिल्कुल भी केकी नहीं होगा, फटेगा नहीं कहीं से भी और बहुत अच्छा बेस बनेगा। अब हम जो है फाउंडेशन लगाएंगे, फाउंडेशन आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ फाउंडेशन मैं ले रही हूँ के ब्यूटी का ही फाउंडेशन, बिकॉज दिस इज़ वेरी नाइस फाउंडेशन और ड्राई स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है ये। फाउंडेशन एप्लीकेशन इज डन गाइज, एंड एक्चुअली यू कैन सी द ग्लो, कितना अच्छा ग्लो आया है ये, यहाँ पर आप फेस पर देख ही रहे होंगे मेरे। और अगर आप इस तरीके से फाउंडेशन लगाएंगे, देखिए कहीं भी किकीनेस नहीं भी नहीं है यहाँ पे मेरे फेस पे, कहीं भी आपको किकीनेस नज़र नहीं आ रही होगी, कहीं भी आपको जो है वो जो बेस है वो फटेगा नहीं, नज़र नहीं आ रहा होगा कहीं से भी आपको। और अभी इसको सेट करना बाकी, लाइक अभी आप इसको पाउडर से सेट करेंगे, आप कंसीलर लगाएंगे देन पाउडर लगाएंगे। सो अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो फाउंडेशन का एप्लीकेशन किया है, एंड जस्ट लुक एट दिस, कोई भी इसमें मैंने कोई कुछ भी मैंने इसमें हाइलाइटर वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, कोई क्रीम एक्स्ट्रा मिक्स नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। आपको आप देख ही रहे होंगे, कोई स्ट्रॉप क्रीम की भी आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप इस तरीके से जो है बेस अप्लाई करते हैं तो आपका जो बेस है वो इतना ब्यूटीफुल लगेगा, हर कोई पूछेगा कि कहाँ से मेकअप करवाया है भाई। सो आप इन ट्रिक्स के ज़रिए जो है आप अपना मेकअप जो है वो ब्यूटीफुल कर सकते हैं, अपने क्लाइंट्स को खुश कर सकते हैं। सो ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज की आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। रेस्ट ऑफ द मेकअप जो आप करते हैं नॉर्मली वो है, उसके लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। आप सोच रहे हैं इतनी जल्दी क्यों एंड कर रही हूँ मैं, आप जो है दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरा एक कम्प्लीट लुक करके दिखाऊं, तो उसके लिए आपको वीडियो लाइक करनी होगी और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना होगा फुल वीडियो, तो भी आपको जो है वो आगे की और फुल वीडियो मिलेगी। लाइक आपको पूरा कम्प्लीट मेकअप मैं दिखाऊंगी कि कैसे और आप जो है इस बेस को सेट कर सकते हैं। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।